ये तुम किस चीज से अपना मुंह छुपा रही हो और अपना मुंह तुम क्यों छुपा रही हो? क्योंकि मुझे व्लॉग में नहीं आना है। इस तरह से क्या भाई? अभी टाइम हो गया है 9 बज गए हैं और हम लोग को 10 बजे निकलना है। देखो पता नहीं निकल पाते कि नहीं निकल पाते हैं, बट कोशिश रहेगी कि हम 9 बजे तक निकल जाए। 10 बजे तक निकल जाए, क्योंकि फिर हम लोग को थोड़ा काम है बीच में, हड़पसर में कहीं जाना है, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। ओके, सो टाइम चेक। अभी टाइम हो रहा है 10:25 और हम लोग रेडी हो गए हैं, चारों जन रेडी हो गए हैं। बस नाश्ता करना है और हम लोगों को निकल जाना है यहाँ से। वेयरिंग दिस ब्लू शर्ट विद लाइट ब्लू डेनिम्स, तो काफ़ी टाइम बाद ये शर्ट पहने हैं। अच्छा लगता है देखिए कि अब ये लूज हो रहा है, फिट आ रहा है, सब शर्ट टाइट हो गए बीच में। मेरे को कोई नाश्ता हो रहा है आज का, पोहा जो कि बढ़िया ही मस्त बना है, बहुत टाइम बाद पोहा बना है घर पे। और श्वेता रेडी? ऑलमोस्ट डन। कूल, नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। झूठ था वो, अभी तक ये रेडी नहीं हुई है। वो आधा घंटा पहले का बात है। नहीं नहीं, क्या होता है फाइनली निकल रहे हैं हम लोग। एक पार्सल का वेट कर रही है, हल्दीराम्स का पैकेट आना था, तो अब निकल रहे हैं हम लोग। टाइम काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया, 11:30 हो गया। देखते हैं वो हड़प्पा वाला काम अभी करेंगे या शाम में करेंगे। चलो भाई अब बैठते हैं, मम्मी लोग आ रही हैं लिफ्ट से, निकलते हैं फटाक फटाक। आज तो कुछ ज़्यादा ही लंबा जाम निकल गया है चांदनी चौक वाले रास्ते में, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि डे टाइम में इतना लंबा जाम रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर का जाम है। फाइनली इतने जैम से 2-3 जाम मिल गए रास्ते में और अभी हम लोग निकल पहुँचे हैं कासर चौक। फाइनली कासर चौक से भी और हम बोलते हैं 6-7 किलोमीटर तो होगा घर, तो यहाँ भी जाम मिलने का गुंजाइश है खड़ी मशीन चौक पे। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। भाई फाइनली पहुंच गए हम लोग। 1.5 घंटा लग गया आज पहुंचने में, इतना ट्रैफिक था कि कोई उसका और छोड़ नहीं, सब कोई तो सो गए थे बाकी लोग गाड़ी में और हम बस चला रहे थे, और मेरे को भी आंख बंद लग रहा था एकदम। बट ठीक है, फाइनली पहुंच गए अब हम लोग, और अभी टाइम हो रहा है 2:20 हो रहा है, हम लोग 1 बजे निकले थे उनसे। एनीवेज, तो इसी के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं विनीत सिन्हा ब्लॉग्स। आज तारीख है 14 मई और आज मेरी बहन का बर्थडे है यहाँ उंदरी में, तो हम लोग उसके लिए आए हैं सेलिब्रेशन के लिए। तो दिन में ही जो भी है थोड़ा मोड़ा सेलिब्रेशन से खाना पीना है, एंड शाम में मोस्ट प्रोबब्ली केक काट के हम लोग फिर वील हेड बैक होम। और आई थिंक ये नहीं लास्ट नहीं, अगले वीकेंड भी मम्मी लोग हैं, देन मम्मी लोग मंडे को दे आर गोइंग बैक टू बोकारो। सो मोस्ट प्रोबब्ली एक छोटा सा कहीं आस पास से एक और ट्रिप बनने वाला है, लेट्स सी। अगर गर्मी कम रहा तो फिर डेफिनेटली बन जाएगा। बाकी अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रोग्राम चल रहा है ऊपर। काफ़ी भीड़ है ऊपर, बहुत लोग आए हुए, जीजा जी के भाई भी आए हुए, उनके भाई से और अंकल आंटी ये सब कोई है, तो जाके मिलते हैं फिर से। ये है पनीर बटर मसाला। अच्छा पनीर में ये ग्रेवी, ये ग्रेवी ऐसा आमलेट जैसा लग रहा है ये। और ये क्या है? ये सोया चाप है। सोया चाप, भाई पहली बार होममेड सोया चाप खाने वाले हम लोग आज। Yes. और ये भी इसी के लिए ना। हाँ, तो मैं अभी बनाएगा जीरा राइस एंड ये बन चुका है। बढ़िया। ये है विनीत सिन्हा खाना खाते हुए और ये आज मरीज से परेशान है।
नौ मरीज निकल उठे, नौ मरीज जहाँ हम लोग सब मिले वहाँ ऊनो ना हो तो फिर क्या ही होगा। एकदम ब्रांड न्यू ऊनो कार्ड्स मिला है हम लोग को, जीजा जी लेके आए हैं और ये सब खराब करने में तुली हुई है। ये होगा ऊनो का गेम, ऊनो का मतान। आज तो यहाँ पे जनता ही बहुत सारी है। कितने लोग हम लोग? मोर पीपल मोर फन। कितने लोग हम लोग? 10। तो 10 तो खेलेंगे थोड़ी, खेलने वाले प्लेयर्स 6-7 लोग हैं। सबको +4+4 उठवा रही है लड़की। फिर से सुमित जी सेकेंड टाइम रिपीटेड विनर, और उसके बाद ये आई, उसके बाद हम आए। तो हम लोग खेल लिए अच्छे से, मतलब पूनो 3-4 राउंड खेले ऑलमोस्ट हम लोग, उसमें एक बार फर्स्ट ही आए हम, लेकिन मम्मी फिर बाद में ज्वाइन की तो मम्मी शायद जीत गए एक राउंड। बट जो भी है अभी सब कोई आराम कर रहे हैं थोड़ा मोड़ा, और आई थिंक 7 बज गए हैं, तो आधे एक घंटे में केक वेक कटेगा बिनी का। बिनी इज़ गेटिंग रेडी नाउ, तो केक कटेगा, उसके बाद हम लोग चाय वाय पी के आई थिंक देन वील हेड बैक बाई 30 or 9, क्योंकि फिर अभी निकलने में कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा अभी रास्ते में, बहुत आने समय लगा है। आई थिंक आई टेक द सिटी रूट दिस टाइम, मम्मी को थोड़ा सिटी दिखाते हुए जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाकी सब तो बढ़िया है और देखते हैं। तो बर्थडे गर्ल तो रेडी हो रही है, पता नहीं बाकी लोग, तुम लोग भी रेडी हो जाओ थोड़ा थोड़ा, आदेश रेडी हो जाओ। चाय जिंदाबाद, चाय हो रहा है अभी, मम्मी लोग का भी हो रहा है। इधर इधर एक ग्रुप है और इधर एक ग्रुप है। चाय हो गया? काफ़ी काफ़ी तारीफ सुना जा रहा है तुम्हारे चाय का, क्या कहना है तुम्हें? थैंक यू। तो ये दो केक कटने वाला है आज, ये है चॉकलेट ट्रफल और ये है बटर स्कॉच आइस केक। आदेश रुक जाओ 2 मिनट। डर क्यों रहे हो तुम? इधर डर क्यों रहे हो? ये बस थोड़ा मोड़ा डेकोरेशन। अच्छा भाई, बर्थडे गर्ल कितना उम्र हो गया तुम्हारा अब? छोड़ दो, गलत सवाल। ये जी आई ना आप? Happy birthday to you. अरे पैर वैर छुओ, आशीर्वाद लो। चलो भाई फोटो सेशन कर लो सबको एक बार, आ जाओ सब लाइन में। तुम्हारे साइज का छोटा वाला फ्रूट केस तुमको दे देंगे, ठीक है? आदेश हम लोग फिर घूमने जाएंगे ना? बोलो बाय बाय आदेश। बाय, चलो बाय।
अभी लौट रहे हैं हम लोग। लौटने के टाइम पे हम लोग कोंडवा वाला रूट लिए, थोड़ा सिटी सिटी होते हुए जाएंगे ऐसे ही। अभी रात हो गई तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो फिलहाल तो अभी कोंडवा में ही है। यहाँ से सीधा निकल जाएंगे स्वारगेट हम लोग, तो वहाँ से फिर देखते हैं कौन सा रूट लेंगे। घर पहुंच गए हम लोग। अब टाइम हो चुका है 10:15 हो गया एक्चुअली, और वो 1.25 घंटा लग गया हम लोगों को पहुंचने में। उधर से हम लोग काफ़ी घूमते फिरते आए, मज़ा करते हुए आए। मम्मी लोग काफ़ी कुछ दिखाए हम, मतलब कोंडवा से होते हुए फिर स्वारगेट, स्वारगेट से फिर बाजीराव रोड, और वहाँ से फिर शनिवार वाड़ा, ये सब कुछ दिखाया मनपा वनपा करते हुए। फिर फाइनली यूनिवर्सिटी रोड को ज्वाइन किए हम लोग, और देन फिर वहाँ से पकड़ते हुए आउन लोग के घर आ गए। काफ़ी अच्छा रिटर्निंग जर्नी था हम लोगों का, मज़ा आया। एकदम अच्छा हवा चल रहा था, उस चीज़ का आनंद लेते हुए हम लोग आए हैं, प्रॉपर एकदम आनंद। सो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। काफ़ी अच्छा दिन रहा हम लोग का एक्चुअली, गए वहाँ पे बर्थडे पे, अच्छा मस्त खाए हुए, केक वेक कटा, खूब इन्जॉय किया हम लोग। ऊनो खेले में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को, बट काफ़ी अच्छा दिन रहा। सो इसी नोट पे इस व्लॉग को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग हियर। इन केस आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू हिट ऑन द लाइक बटन, एंड अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और पुराने वीडियो ज़रूर देखिएगा सब्सक्राइब करने से पहले। अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। I will see you soon in the next vlog. Till then, take care. Bye bye. Peace.